Student, we are going to start chapter 2 of NCERT class 10th polynomials. थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं, 9 से रिलेट कर लेते हैं. सबसे पहली बात, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. तो पहले आप पॉलीनोमियल की डेफिनेशन समझेंगे, फिर कौन सा पॉलीनोमियल इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो भी आप देखेंगे. पॉलीनोमियल्स, ओके. तो व्हाट इज पॉलीनोमियल, मन में क्वेश्चन उठता है पॉलीनोमियल क्या है. 9 क्लास में था, थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक ले लेते हैं. ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा यहां से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से. व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके. व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आपने कॉन्स्टेंट के बारे में सुन रखा है, नंबर्स आर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स भी देख रखा है. वेरिएबल क्या होती है, ऐसे अल्फाबेट जो किसी की वैल्यू को एज्यूम करते हैं या जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है उनकी जगह हम अल्फाबेट यूज कर लेते हैं, एक्स एंड वाई आर वैल्यू. तो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टूगेदर मेक्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बना हुआ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से, फॉर एग्जाम्पल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट है, यहां पे वेरिएबल इंटू कॉन्स्टेंट. तो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. मीनिंग मतलब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को यूज करके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, जो चीज बन रही है उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. ये भी अपने आप पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. और रेडिकल फॉर्म में लिखे तो हाफ, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल एक्स, वेरिएबल इज डिवाइडेड बाय एक्स. टू वेरिएबल में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं. सेकंड केस, बी केस में दीज आर दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल. दो वेरिएबल में भी हो सकते हैं, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलीनोमियल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. बेसिकली पॉलीनोमियल भी एक पर्टिकुलर टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो पॉलीनोमियल की डेफिनेशन यहां से आती है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होगी उसकी पावर्स रेडिकल के फॉर्म में नहीं होगी, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नोन एज पॉलीनोमियल. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म भी हो सकते हैं, ये एक टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दो टर्म वाला है, ये भी दो टर्म का है. एक और ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म. पर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल कहलाते हैं जिनमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब रैशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होती. तो इसके हिसाब से यह वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलीनोमियल नहीं है, यह वाला नहीं है. और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल पावर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो सपोज आई राइट कंसीडरिंग दैट 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया. एक सरल एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अगर सिंपलीफाई करें तो 2x की पावर -1 + 3, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलीनोमियल नहीं है. तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल कहलाते हैं जिनमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नोन एज पॉलीनोमियल. अब पॉलीनोमियल वर्ड का मतलब भी समझे, पॉलीनोमियल क्या होते हैं वो तो देख लिया और थोड़ा सा डिटेल में और देखिए. ठीक है, इसका अभी तक का क्या कंक्लूजन निकला, जो पॉलीनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आया हुआ. ओके, अब टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स को डिफाइन करने चलते हैं. तो अब पॉलीनोमियल्स को थोड़ा जानते चलते हैं.
पॉलीनोमियल्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो, तो सर पॉलीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर रेफर्ड एज पॉलीनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, सेकंड आर द टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। क्लास 5th और 6th के स्टैंडर्ड से बात करें, सिंगल टर्म वाला पॉलीनोमियल, जैसे इस पॉलीनोमियल में दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसके में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं है, तो दिस इज रेफर्ड एज मोनोमियल। एक टर्म वाला मोनोमियल कहलाएगा, दो टर्म वाला बाइनोमियल कहलाएगा, तीन टर्म वाला अगर एक वेरिएबल में लिखूं ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो मोनोमियल मींस एक टर्म, बाइनोमियल मींस दो टर्म, ट्राइनोमियल मींस तीन टर्म। तो पॉलीनोमियल की डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, पर हमें पावर के हिसाब से डेफिनेशन देनी। ये जो डेफिनेशन है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये टर्म के हिसाब से अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेगा पॉलीनोमियल बोलेगा, अगर ऐसे पॉलीनोमियल में जिसे एक ही टर्म है मोनो कहलाएगा, दो टर्म है बाय कहलाएगा, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल कहलाएगा, तो टर्म बढ़ते चले जाएंगे। तो यही से नाम आ गया पॉलीनोमियल। पॉली मीन्स पॉली, वर्ड का मतलब होता है मैनी, तो कितने भी टर्म होंगे, तो बेसिकली ये भी पॉलीनोमियल है, ये भी पॉलीनोमियल है, ये भी पॉलीनोमियल, पर ये पर्टिकुलर टाइप का पॉलीनोमियल बोले तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पॉलीनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्म। मैनी में एक भी हो सकता, दो भी हो सकता, तीन भी हो सकता। एक दो तीन वालों का तो नाम हम लोग फिफ्थ सिक्स में बता देते हैं, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। पर अब टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल डिग्री के हिसाब से, पावर के हिसाब से सब नहीं। तो 9th क्लास में आपने लीनियर पॉलीनोमियल पढ़ा था। सबसे पहली बात, पॉलीनोमियल इज डिनोटेड बाय अल्फा बट एनी अल्फा बट और ब्रैकेट में एनक्लोज होगा वेरिएबल में, तो दिस इंडिकेट पॉलीनोमियल इज पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये भी लिख सकता हूं क्यू एक्स इज अनदर पॉलीनोमियल जिसमें एक ही टर्म, पर ये पॉलीनोमियल। अब मैं डिग्री के हिसाब से पॉलीनोमियल की डेफिनेशन बना रहा हूं, डिफरेंट है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं, पावर्स के हिसाब से, पावर्स या डिग्री। तो इसकी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर वन है, तो सच पॉलीनोमियल आर नोन एज लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर मींस स्ट्रेट। जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, जब चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। दिस इज लीनियर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, से पॉलीनोमियल आर एक्स टू वेरिएबल का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वन है तो ये लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। तो आई होप यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। अगर वेरिएबल की पावर वन होगी तो वो लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। टर्म कितने भी हो, यहाँ टर्म से नहीं, यहाँ पावर के हिसाब से डिफाइन हो रहे पॉलीनोमियल। टर्म के हिसाब से तो मोनो, बायो और ट्रायो, पावर के हिसाब से लीनियर हो। अगर वेरिएबल की हाइएस्ट या पॉलीनोमियल की हाइएस्ट डिग्री टू है तो वो पॉलीनोमियल कैसे क्या कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां लिख दो, वन की जगह टू कर दो, इसमें भी किसी एक में वन की जगह टू कर दो। एक और ले लेते हैं, ये टू कर देता हूं, एक और ले लेते हैं। आपने देखा इसमें हाईएस्ट पावर जो है किसी भी टर्म की वो टू, इसमें भी टू है, इसमें टू। हालांकि ये दो वेरिएबल का पॉलीनोमियल है, पर डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री होगी टू। यहां पे भी डिग्री टू है, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज टू। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर जो होती वो उसकी डिग्री कहलाती। तो यहां पे तीन टर्म है, इसमें हाईएस्ट टू है, इसमें पावर, इसमें पावर, यहां पे पावर नहीं, वैसे लिख सकता हूं। तो हाईएस्ट पावर इसकी है दो, तो इसकी डिग्री हो गई टू। तो ये जितने भी पॉलीनोमियल लिखे हुए हैं इन सब की डिग्री है टू, तो डिग्री टू वाले पॉलीनोमियल हमारे कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ओके। तो डिग्री वन वाले पॉलीनोमियल लीनियर कहलाते हैं। अब तो ये लीनियर आ गई क्योंकि मैंने सबकी डिग्री टू कर दी, पावर टू कर दी, तो अब डिग्री टू हो गई तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कन्वर्ट हो गया। तो लीनियर पॉलीनोमियल सम अप कर लेते हैं, अगर पावर वन है, पावर वन मतलब डिग्री वन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन किया पॉलीनोमियल में तो वो लीनियर कहलाएंगे। अगर डिग्री टू है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर डिग्री किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बोले आप पॉलीनोमियल की बात करें, अगर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है तो दैट आर नोन एज क्यूबिक पॉलीनोमियल। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है और इसका फैक्टराइजेशन भी आप लोगों ने किया हुआ है। ओके, ऐसी पावर बढ़ती जाएगी तो अलग अलग पावर 4 हो जाएगी तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो ये जो चैप्टर हमारा पॉलीनोमियल है वो टिका हुआ है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर व्हाट? अ पॉलीनोमियल इन विच डिग्री इज 2, और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन 1 वैल्यू। ये भी है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पर इन 2 वैल्यू, क्वाड्रेटिक 2 वैल्यू पर। हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर सेकंड में, पॉलीनोमियल चैप्टर की हेडिंग तो जरूर है पर हमारा बेसिकली इसमें 90% केस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ही क्वेश्चन। क्यूबिक पॉलीनोमियल में थोड़ा सा ऑप्शन में बता रखा पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मना करा कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं, मतलब इससे एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी हम लोग वो कर लेंगे। तो जो चैप्टर है हमारा वो पॉली तो है पर बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मींस डिग्री इज 2। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को रिफाइंड होकर पढ़ते हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट, तो आपका मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये टर्म्स के हिसाब से, पावर के हिसाब से बोलेंगे तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आपके दिमाग में आया एक एग्जांपल, एक क्लास से आप लोग ले रहे पर ऐसा क्वाड्रेटिक करके आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करके पढ़ा। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इसका स्प्लिट किया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आई होप आपको ये पैटर्न क्वेश्चन याद होगा, है ना? मिडिल टर्म स्प्लिट किया हुआ, तो बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। व्हाई? क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यहां पे अगर चाहे तो पावर 0 करके, क्योंकि x की पावर 0 इज नथिंग बट 1 एंड 12 इनटू x की पावर 0 दैट इज 12 इनटू 1 इज 12, तो मैं 12 को ये लिख सकता हूं। खैर बात इशू हुआ, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कुछ ऐसा होगा, डिग्री 2 वाले जो पॉलीनोमियल होंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ले लेते हैं, तो एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, देखने में कुछ ऐसा होगा, एक उसमें x स्क्वायर वन टर्म होगा, ax स्क्वायर में a इज कांस्टेंट, नंबर कुछ भी हो सकता है, यहां 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एक उसमें x वाला टर्म हो भी सकता नहीं हो सकता, और ये कांस्टेंट को हम लोग c से डिनोट करते हैं। अब इसको हटा देते हैं c, मिस मिस, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वेयर a इज नॉट a b c आर नंबर्स, ये नंबर्स होंगे एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, a 0 हो गया तो x स्क्वायर वाला टर्म चला जाएगा तो वो लीनियर की डेफिनेशन में आएगा। फॉर एग्जांपल एक आपको ये दे रखा है जहां पे a 1 है, अगर कंपेयर करें तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उनका 1 है, एक ये भी हो सकता है, तीन टाइम में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको देखने में मिलेंगे। यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, यहां c 0 हो गया, या ये भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस 1, यहां पे x वाला टर्म 0 हो गया, पर इन तीनों के केस में हाईएस्ट डिग्री 2 है, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको तीन डिफरेंट टाइप के दिख सकते हैं, पर देखिए तीनों में x स्क्वायर कंपलसरी, क्योंकि x स्क्वायर है तभी डिग्री 2 है तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म हम जो भी पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आम तौर पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऐसा दिखता है ax स्क्वायर bx प्लस c, तो यहां से स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल स्टैंडर्ड किस फॉर्म में होगा? इट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी मैं पूछूं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चैप्टर इस पे 90% टिका हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, और ऐसा कुछ नहीं है,
हमने काफी हद तक 8-9 में पढ़ रखा है, पर इस तरीके से नहीं पढ़ रखा है, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट में पढ़ रखा है, इनको डील किया हुआ, तो वो नॉलेज यहाँ पे काम आएगी। ओके स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म वाइंड अप कर लेते हैं सेशन का। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमने क्या डिसाइड किया, क्या होता है द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर लिखा हुआ है, वापस लिख देता, वेयर ए बी सी आर, ए बी सी आर व्हाट कॉन्स्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर का मान जाएगा, तो वो फिर लीनियर की डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फिर हर सेशन में इस चैप्टर में देखेंगे कुछ नया पढ़ेंगे।